हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आवर चैनल ग्रो द लव बर्ड। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस दोस्त के लिए जो सारा फ्रेंड अपना बर्ड ब्रीडिंग सेटअप या बर्ड सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारा रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था, बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन मैंने बोला था जब मैं बनाऊँगा एक वीडियो या आप अपना बर्ड ब्रीडिंग सेटअप कैसे स्टार्ट करें या किस तरह से अपना काम शुरू करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपना बर्ड्स का शौक को आगे ले जाना चाहते हैं या बर्ड के साथ आप एक सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको चार चीज़ों का मतलब फोर चीज़ों का आपको ज़रूरत होगा। एक तो सफिशेंट स्पेस जहाँ पे आप बर्ड्स को अच्छी तरह से रख पाए, दूसरा सफिशेंट टाइम जो उनका केयर और उनको रखने के लिए आपको देना पड़ेगा हर दिन, और तीसरा है सफिशेंट फंड, मतलब ऐसा पैसा से आप स्टार्ट मत कीजिए जो पैसा आपका काम का हो, जो आपका इमरजेंसी में आपने सेविंग्स किया हो, इमरजेंसी पर्पस में वो काम आएगा, ऐसा कुछ पैसा या इन्वेस्ट करके आप मतलब स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ एक्सेस पैसा है, कुछ एक्सेस मनी है जो आपका दूसरा कोई काम में फिलहाल नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि उस पैसा से आप अपना बार बिजनेस सेटअप स्टार्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। और चौथा जो है वो है प्यार मोहब्बत और बात का शौक बोलिए, पैसन बोलिए। अगर ये चार चीज़ आपके पास होगा तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं या आप आज ही से काम स्टार्ट कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेड है। तो पहले आते हैं स्पेस के बारे में। तो स्पेस देखिए, मैं तो इंडोर में ही मेरा सेटअप है, आउटडोर व ओपन जगह पे तो अभी तक मैंने सेटअप नहीं बनाया और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। थोड़ा बहुत जो है मेरा वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इंडोर सेटअप के ऊपर ही मैं काम करता हूँ, इंडोर सेटअप के ऊपर ही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही आपको शेयर करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप जो स्पेस में बर्ड्स को रखेंगे वो स्पेस को आप पहले देख लीजिएगा उसका वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं, मतलब उस घर में एक या दो खिड़की होना चाहिए जहाँ से हवा आ सके और पीछे से वो हवा पास हो सके, मतलब एक खिड़की से हवा आएगा, एक खिड़की से हवा पास करेगा। इधर आइए, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा जो सेटअप है, इस घर का जो सेटअप है, इसमें देखिए एक खिड़की है, एक खिड़की से बाहर भी आपका एक खिड़की है जो आपको दिखाई दे रहा है, उधर से हवा आता है, उस बर्ड्स को भी मतलब मिलता है, इस बर्ड्स को भी मिलता है और हवा इधर से वो पास हो जाता है। तो इस तरह का आपको मतलब इस तरह का आपको दो तीन खिड़की होना चाहिए जहाँ से हवा पास हो सके। अभी मैं इस घर का क्या करूँगा, देखिए इधर ही एक जो खिड़की आपको दिखाई दे रहा है, एक खिड़की से मैं वो जो आपको वॉल दिख रहा है, एक वॉल में एक मैं खिड़की करूँगा। तो बाहर का जो नॉर्थ ईस्ट जो पोजीशन है जहाँ का हवा काफ़ी अच्छा है, मतलब उस साइड का, वो हवा इस वॉल से अभी आएगा और इधर में एक तो एक खिड़की पे भी मैं एक तो मतलब ये वॉल पे एक तो खिड़की मतलब काटूँगा, जो खिड़की में लगाने वाला हूँ, ताकि ये जो स्पेस है मेरा, ये मतलब ये जो स्पेस है, ये स्पेस 14-15 फीट का स्पेस है जिसको मैं काम में ले आ पाऊँगा, बस किसी बात को रख पाऊँगा और एक खिड़की को मैं फाइनली बंद कर दूँगा फिर, क्योंकि नेवर्स को जो प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं होगा। एक खिड़की को मैं बंद कर दूँगा, मतलब परमानेंट नहीं बंद करूँगा, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं बंद करूँगा, दिन में एक दो घंटा खोलूँगा, क्योंकि जब एक दो खिड़की मेरा हो जाएगा, जैसे जितना भी हवा आएगा, तो पहली की मतलब अभी जो पोजिशन में है एक घर, उससे ज़्यादा अच्छा धीरे से पोजिशन में हो जाएगा, और जो एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट को खोल के बाहर लगा दूँगा, क्योंकि आप भी अपना सेटअप से जहाँ पे इंडोर में करेंगे उधर से एक एग्जॉस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम वो जो अपना गर्म हवा जो पैदा हो जाता है आपका इंडोर में वो बाहर फेंकेगा, और रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है, 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश होता है, तब अपना जो इंडोर का सेटअप है उसमें का भी स्मेल आ जाता है, मतलब बदबू क्रिएट करता है, जो शायद हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन हमारा फैमिली मेम्बर जो दूसरा है आस पास में जो है उसको काफ़ी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये बाघ का जो मैल होता है, खाना पीना चीज़ होता है, वेदर में नमी के वजह से वो उतना ड्राई नहीं हो पाता है, जिससे काफ़ी स्मेल बैड स्मेल पैदा हो जाता है, जो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो एग्जॉस्ट लगाने से वो भी स्मेल आपको बाहर फेंकेगा, जो अभी ये एग्जॉस्ट मेरा काम करता है, जो मैं इसको बंद कर दूँगा वो साइड से मैं इसको करूँगा, क्योंकि वो साइड पूरा वैकेंट है, मार्ट है मेरा पूरा, ठीक है, तो उस साइड से एग्जॉस्ट मैं लगा दूँगा तो हवा भी आएगा और अंदर का जो गर्म हवा है जो भी डैप मेल आएगा उसको बाहर फेंकूँगा।
तो आप इस तरह से अपना जो इंडोर सेटअप है उस तरह से बिल्डअप कीजिए। खिड़की जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अभी खिड़की का बात देखिए, जब खिड़की आप लगाने मदद करेंगे तो खिड़की में दो तरह का नेट होगा। एक देखिए नेट है और इसका बाहर देखिए एक मॉस्किटो नेट है, मतलब ये देखिए एक मॉस्किटो नेट है। सर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो दो नेट एक साथ है, ये देखिए एक मॉस्किटो नेट है बाहर। तो आप अपना सारा खिड़की में ऐसा नेट लगा दीजिएगा ताकि चूहा बिल्ली बेजी बरगर है स्नेक ये सब अंदर आ नहीं पाए। और मॉस्किटो नेट तो आप जरूर लगाएंगे ताकि मॉस्किटो अंदर ना आए, क्योंकि मॉस्किटो नेट आप जो भी करें। काफ़ी शोर हो रहा था फ्रेंड्स, आपको बात सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, इसे मैं जा रही हूँ। तो मॉस्किटो नेट जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए मॉस्किटो को आप रोक नहीं पाएंगे। अब दूसरा कोई भी कोशिश कर लीजिए, जितना भी धुना देते हैं कभी सारा फैन धुआ देते हैं, इससे परमानेंट मॉस्किटो को आप आने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए आपको मॉस्किटो नेट लगना ही पड़ेगा। उसका एक ही डिसएडवांटेज है, गर्मी के टाइम में वेंटिलेशन का हवा कम पास होता है, लेकिन रेनी सीजन में या ब्रीडिंग टाइम में, जब ब्रीडिंग टाइम आता है मतलब ठंड का टाइम, तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है उससे, लेकिन आपको मच्छर से आप अपने बाज़ को सेव कर पाएंगे, जिसके वजह से बाजी से काटने से हम बाज़ को मतलब ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है और वायरस फैलता है खासकर लार्वा को। तो आप ये करके फिर अपना बाज़ सेव कीजिएगा। एक बात आप ध्यान में रखेंगे, बाज़ सबसे लास्ट में आपको ले आना है, वो लास्ट काम होगा आपको, लेकिन उसके पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। और ये जो फ्लोर देख रहे हैं आप, फ्लोर देखिए, ये फ्लोर में कभी भी ये जो फ्लोर है ये मैट, मेरा तो मैट लगा हुआ है, तो पूरा मतलब ये जो नीचे का मेरा जो सेटअप है तो पूरा मैट लगा हुआ है, क्योंकि ये तो मेरा पहले इंस्टीट्यूट था, एकेडमी था, ऑफिस था, इसलिए तब इन्होंने डेकोरेशन किया था, इसलिए सब घर में आपको मैट मिलेगा। लेकिन आप किसी भी तरह कोई भी डेकोरेशन इस तरह का मत कीजिएगा जहाँ पर आप बाज़ रखेंगे, क्योंकि देखिए बाज़ मतलब ये मैट लगने से क्या होगा, आपको साफ सफाई में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, आप पानी उतना यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये मैट जहाँ पे आप बर्ड्स रखेंगे वो दो तीन साल के बाद उसके पहले भी आप देखेंगे मैट के नीचे कीड़ा पैदा हो जा रहा है। तो मेरा तो वैकेंट मतलब मेरा रूम नहीं मिला था, एक को शिफ्ट किया था, एक केज को ले आया था, ऐसे करके करके मैंने अपना सेटअप को लगाया। तो अगर मुझे मौका मिलता या पूरा अगर उसको मैं खाली कर पाता तो मैं पूरा मैट को उठा लेता। मैट को उठाने के अगर आपका कॉन्क्रीट का आपका फ्लोर होगा तो आप पानी यूज़ कर सकेंगे इस गर्मी का टाइम में, जिससे आपका रूम टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, या आप इसके अच्छी तरह से आप सफाई कर पाएंगे, जिसका काफ़ी ज़रूरत है और जिसको डेली हम लोग करना पड़ता है। तो फ्लोर को आप कंक्रीट का ही रहेंगे, उसके ऊपर कोई डेकोरेशन मत कीजिएगा। खिड़की पे आप दो तरह का नेट लगाइएगा और ऐसे जगह पे आप करी मतलब कीजिएगा आपका सेटअप, मतलब उस इंडोर में जहाँ पर सनलाइट आ सके, मतलब हर टाइम नहीं तो कुछ टाइम के लिए सनलाइट अगर आ सके तो काफ़ी अच्छा होगा। मेरा तो उस घर में सनलाइट नहीं आता है, लेकिन अभी वो खिड़की अगर मैं कर दूंगा वो खिड़की से सनलाइट अंदर आ सकेगा, मतलब अभी जो मेरा सेटअप का जो सनलाइट बोले वेंटिलेशन वो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये सब कंस्ट्रक्शन करने के बाद। अभी आइए फ्रेंड्स, तो पहले आप अपना घर को रेडी कर लीजिए ठीक है, अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए पूरा घर का, खिड़कियों का पूरा नेट लगा दीजिए, अपना फ्लोर का अच्छे से साफ कर लीजिए, अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, जितना भी मतलब नेचुरल एंटीबायोटिक है जैसे नीम पत्ता से सेवलोन बा डेटॉल या चून, मतलब चूना जो होता है उसे पूरा फ्लोर को धो लीजिए, पूरा अच्छे से स्प्रे कर लीजिए घर को। उसके बाद जाके आप केज लेके आइए, केज जब लेके आएंगे फिर तो आप इस तरह का केज ले आएंगे सबसे अच्छा होगा ठीक है। देखिए ये जो मेरा केज है ए टाइप का सारा केज है, दो एक छोटा केज है स्पेस के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम मतलब सभी केज मेरा इस पैटर्न का है। इस केज में देखिए छः फीट का केज है जिसमें एक दो तीन चार चार पार्टीशन है। तो इस केज में आपका बेनिफिट क्या होगा, इस चार फीट में आप कोई भी बड़ा टाइप का पैरट रख सकते हैं, जैसे यूरो साइज कुनूर, पाइन एपल कुनूर, लिंचू कुनूर, रोजेला, सान कुनूर, ब्लैक कैप कुनूर, क्रिमसन बेरी, ये सब जिसका जितना भी आपका बात का शौक होगा आप इस केज में रख सकते हैं, क्योंकि इसका हाइट है डेढ़ फीट, दो फुट इसका चौड़ाई है और चार फीट इसका मतलब डेढ़ फुट, ऐसा दो फुट डेढ़ फीट और चार फीट चौड़ाई है। तो इस केज में आप इस तरह का बाढ़ रख सकते हैं और छोटा बाज को भी आप इसको पार्टीशन करके, अगर पार्टीशन कर दीजिए मतलब बीच में से, तो आपका आठ खाना हो जाएगा, मतलब एक घर हो जाएगा एक केज में।
तो आप इसमें आटा रख सकते हैं। वो हलन बज्जी रखिए, आप नॉर्मल बज्जीज रखिए, लब्बर रखिए, होगड़ोमो रखिए, चेंचिस रखिए, जावा रखिए, कुछ भी रखिए आप रख सकते हैं। मतलब आपको आठ घर हो जाएगा आपका बात करने के लिए। तो इस तरह का आप केक बनाइए जब भी बनाएंगे, और उसके साथ केक अलग से आप जो भी बनाएंगे। तो केक बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा होगा इसका क्लीनिंग आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। इसको आप निकलेंगे, इसको बाहर लेके आप जगह पर आप सफाई करेंगे, सफाई करके इसका अच्छे मतलब पोस के आप लगा देंगे तो आपका केक पूरा साफ हो जाएगा, कोई गंदगी कोई मैल आपका केक में जम नहीं पाएगा। और एक चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा फिर, जिसका मुझे काफ़ी परेशानी उठाना पड़ा है स्टिल मतलब अभी तक, हाँ जिसका मतलब मेरा आइडिया नहीं था, मैं एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, जिसके वजह से फ्रेंड्स मुझे काफ़ी परेशानी उठाना पड़ा, वो है चीटिया। ये जो मैथ है, ये मैथ पे जब गंदगी पड़ा रहता है उस तरह तो मैं उसको पोट नहीं पाता, वो जाता नहीं सब पॉटी बोली सॉफ्ट फूड बोली कुछ ना कुछ रहता है, इसके वजह से काफ़ी सारा कीड़ा मकोड़ा आता है, चिलचिट्टा आसोला टिक टिकी छोटा मोटा ये छोटा चूहा ये तो तंग करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाघ को या चिप्स को, वही चीटिया। जो लाल चीटिया है वो पूरा केज पे आ जाता है और पूरा नेस्ट बॉक्स में भी चला जाता है, और चीज मतलब बाघ को काफ़ी परेशान करता है, चीज भी कभी कभी एक्सपायर करता है। जो मेरा इधर भी है इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक काम करेंगे तो चीटी बोलिए मतलब चीटी कभी आपका केज में आ नहीं पाएगा। इसके लिए कोई मेडिसिन कोई पाउडर आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इधर आइए, देखिए ये जो आपका मतलब पाव है लेग है केज का, तो इस जगह मतलब इस में मैंने जो ईट देके इसको थोड़ा ऊंचा करने के लिए दिया था, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एक बाटी में फ्रेंड्स इसे थोड़ा बड़ा लीजिएगा, और इसमें एक तो स्टोन का टुकड़ा रख दीजिएगा स्क्वायर शेप का, उसका ऊपर ये लेग रहेगा, और ये बाटी में आप पानी दे देंगे तो पानी से आपका चीटी नहीं आएगा, और जो आप स्टोन का टुकड़ा देंगे स्क्वायर वो स्टोन का ऊपर ये रहेगा तो इसमें भी पानी नहीं लाएगा और इसमें भी जंग नहीं पड़ेगा। तो इस सिस्टम में चार पाव में आपको अगर चार बाटी एक स्टोन के साथ पानी के साथ दे देंगे तो चीटी आपका केज में मतलब चीटी आपका केज में आएगा नहीं, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो पहले इतना नॉलेज नहीं था भाई, उतना एक्सपीरियंस नहीं था फिर, तो मैंने तो जितना मतलब जो मुझे जो सही लगा वही का लगा ये लगा कर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे अभी भी एचडीओ का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं क्योंकि अभी देखिए इसको रिसेट करेंगे अभी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कल प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बांस को रखना मतलब रहते उनका चीज बॉक्स को रहते जितना मतलब मॉडिफाई करना काफ़ी प्रॉब्लम या काफ़ी लेवरियस हो जाता है। लेकिन आप बांस लेने से पहले अगर आप ये सब काम कर लेंगे तो आपको बाद में लेकर कोई भी तरह का मतलब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जरूर कीजिए हर एक केज का लेक में एक पानी का बॉयल रख दीजिए तो चीटी कभी भी आप अंदर नहीं जाएगा, जितना भी खाना जितना भी सॉफ्ट फूड रहे चीटी अंदर नहीं आ रहा है, तो ये आप जरूर मेंटेन कीजिए। अभी आते हैं फ्रेंड्स टाइम के ऊपर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइम, शायद स्पेस काफ़ी सारा फ्रेंड्स के पास है, पैसा भी है, ठीक है, और बात तो हम लोग का सभी को पसंद है, ऐसा खूब कम ही आदमी का इंसान है जिनको बार्स या पेट पसंद नहीं है, तो हम सभी को बार्स पसंद है, तो तीन चीज़ तो हमारे सभी पास कम ज़्यादा होगा। लेकिन टाइम देखिए आप अगर सोचेंगे कि बार्स ले आने के बाद सुबह एक घंटा शाम को आके एक घंटा देने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मतलब तो ये आपका रेगुलर तो देना ही पड़ेगा, सुबह या शाम को टाइम देना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको बार्स के पीछे। जैसे बार्स ले आने के लिए आपको काफ़ी दूर दूर जाना पड़ेगा, इनका इक्विपमेंट एक्सरसाइज लेने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा, शॉप में जाना पड़ेगा, इनका खाना पीना के लिए आपको डेली मार्केट जाना पड़ेगा या दो तीन दिन के बाद आपको मार्केट जाना पड़ेगा, मतलब सीड मिक्स लेने के लिए, सीड लेने के लिए, फूड लेने के लिए, तो ये सब को पीछे भी आपको काफ़ी टाइम जाएगा। और दूसरा बात ये है फिर जब आप बात रखेंगे उसके बाद आपको काफ़ी स्टडी काफ़ी नॉलेज लेना है इस फील्ड में, इसके लिए आपको आपका आसपास में जैसे जितने भी बीड़ा है काफ़ी दिन से काम कर रहा है उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनका पास तक आपको टाइम एक्सचेंज करना पड़ेगा, उनसे नॉलेज लेना पड़ेगा, इनका ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, काफ़ी सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको जानकारी आपके एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप जितना भी बात को ले आएंगे उसका सही से क्या ट्रीटमेंट और उनका प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो देखिए इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, अगर आप
अपना टाइम को इस तरह से सेट कीजिए, बाप पहले सोच लीजिए कि आप इतना टाइम दे पाएंगे कि नहीं। बाप जो भी टाइम दे पाएंगे उस हिसाब से आप बॉस को ले जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर बॉस आपको ले आएंगे मतलब बाद में ये सब आपको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप अपना टाइम, अपना शेड्यूल, अपना जॉब, अपना ऑफिस ये सब देख के उसके बाद ही आप इसका डिसीजन लीजिएगा व उस हिसाब से आप अपना सेटअप स्टार्ट कीजिएगा। देखिए मेरा सबसे प्लस पॉइंट जो है इधर सेट मतलब सेटअप करने के लिए, मतलब स्पेस तो मेरा काफ़ी है जहाँ पर मैं कब जब भी चाहूँ ये सेटअप चालू कर सकता हूँ, ठीक है। और फ़ान का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जान पहचान पर मेरा फैमिली में ऐसा भी है जो मैं चाहूँ वो फंडिंग वो बाई इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए फ्रेंड्स उधर अगर मैं जाऊँगा तो मेरा जॉब छूटेगा, मेरा बिजनेस छूटेगा, मेरा काम छूटेगा, मेरा इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाना रहता है वो सब छूट जाएगा। लेकिन इधर पे सेटअप करने के लिए या ऊपर में जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा उसका एक वजह है, बस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये मेरा प्रोडक्शन इंग्रीज है बनाजर घर में, जहाँ पर मैं सुबह अपना प्रोडक्शन करता हूँ सारा क्लाइंट का सारा कंपनीज का, दोपहर का टाइम में आके इधर मेरा प्रोडक्शन रहता है दोनों टाइम, तो दोनों टाइम में अपना बॉस का केयर कर सकता हूँ। और मैं जो इंस्टीट्यूट बस स्टोर आपको दिखाया था ये इधर से 5 मिनट का डिस्टेंस में है, जो सारा फ्रेंड्स मेरा सेटअप पे आए हैं उनको पता होगा क्योंकि मैंने से उन लोगों के इंस्टीट्यूट में स्टोर पे भी मिला हूँ, तो लोग को भी पता होगा इधर से मेरा 5 मिनट का डिस्टेंस से मेरा स्टोर या इंस्टीट्यूट। और मेरा जो घर है जहाँ मैं रहता हूँ खाना पीना करता हूँ वो भी मेरा इधर से 5 या 7 मिनट का डिस्टेंस में है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं एक साथ सब काम को कर पा रहा हूँ जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके काफ़ी दूर जाना पड़ता है काम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो बॉस को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन मुझे बॉस को छोड़ के काफ़ी टाइम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, यही प्लस पॉइंट है इधर सेटअप बिल्डअप करने के लिए, इतना अच्छे से मैं इन लोग को केयर कर सकता हूँ, टाइम दे पाता हूँ। तो आप वो थोड़ा देख लीजिए, जितना आप टाइम दे पाएंगे उस हिसाब से आप अपना बॉस को ले जाइए, बॉस को रखिए, नहीं तो बाद में आप दोनों जगह पे फंस जाएंगे, ना आप बॉस को ठीक से केयर कर पाएंगे, ना आप अपना जॉब या बिजनेस या सर्विस जो भी करते हैं आप उसमें टाइम दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सोच लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा बात जो है फंडिंग, फंडिंग देखिए फिर मतलब आपके पास मैंने बोला हूँ, आप कभी भी कोई शौक के लिए या बिना सोच समझ के इन्वेस्ट करके बॉस को नहीं ले आइएगा। देखिए अगर आप अपना ज़रूरत का पैसा, आपका इमरजेंसी का कोई पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टेंशन आ जाएगा, एक सोच आ जाएगा कि कब मैं इनको बिलिंग करूँगा, इनसे प्रोग्रेस लूँगा और उससे रिटर्न लेके मैं अपना एक कमी को फुलफिल करूँगा। तो एक टेंशन में आप जब आ जाएंगे, ये जब आप मतलब फिकर में आ जाएंगे, बेचैनी में आ जाएंगे, तब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं आपका डेली लाइफ लेके और बात को भी लेके। इसलिए ऐसा कुछ पैसा आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपका ज़रूरत हो, आपका ज़रूरत का या फैमिली का पैसा था उसका आपका दूसरा ज़रूरत था। तो इसलिए आप जो पैसा पैसे से जिसको पैसा आपका पास मतलब ज़्यादा है जो आप दूसरा काम में नहीं लाएगा उसी पैसे से आप कीजिए, तो आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई फिक्र नहीं रहेगा जिसको मुझे रिटर्न आना है, इसका प्रोग्रेस करना है, इस तरह का कोई भी सोच आपका ऊपर काम नहीं करेगा। तब आप भी फ्री रहेंगे, टेंशन नहीं होगा कुछ, बेफिक्र होगा, आप अपना बॉस का अच्छी तरह से केयर कर पाएंगे और आप भी चैन से सो पाएंगे, अपना काम पर कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बात थी। और एक चीज़ है, और एक बात है फ्रेंड्स, कौन सा बॉस लेकर आप स्टार्ट करें, देखिए जो बॉस आपको पसंद आता है आप वो बॉस लेकर स्टार्ट कीजिए। लेकिन इधर मैं थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ, मतलब आप पहले वो सब बॉस को ले आइए जिस बॉस का रहन सहन, खाना पीना, ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी ईजी है, क्योंकि जब आप इतना मेहनत करके इतना सब एडजस्ट करके आप बॉस को ले आएंगे और उससे जितना जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलेगा आप सेटिस्फाई होंगे, आप काफ़ी खुश होंगे उनका एक देख के, चीज देख के, प्रोग्रेस देख के, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट ग्रो कर जाएगा, आप और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके अपना बॉस को शॉप को आगे ले जाएंगे। तो आप उस तरह का बॉस लेके आइए, बजीज लेके आइए, लाबर लेके आइए, कॉकटेल लेके आइए, चिंची लेके आइए, जावा लेके आइए, जो सारा बॉस कभी ईजी एवं कम टाइम में प्रोग्रेस करते इस तरह का बॉस से स्टार्ट कर सकते हैं। या पुनूर भी कर सकते हैं, येलो साइड, ग्रीन चीज, पाइनएपल, ये भी कभी अच्छा प्रोग्रेस करता है, कभी कम टाइम में ये सब सेफ हो जाता है। लेकिन आप कभी भी पहले टाइम में कुछ बड़ा टाइप का पैरोट जो लॉन्ग टाइम में बिलिंग रखता है बा काफ़ी महंगा है वो तरह बात को आप नहीं लेके आइएगा तो अच्छा होगा। जैसे मैंने गलती कर दिया था स्टार्टिंग में, मैंने सानपुनू, ब्लैक कार्ट, ये टाइप को लेके चला आया था, तब मेरा उतना नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है।
तो उस हड़बड़ी में देखिए गिरेका में जो एग्जैक्ट मतलब स्पेस होना चाहिए उसको सही जगह जैसे रखना चाहिए, मैंने उसको रख भी नहीं पाया क्योंकि उतना मुझे नॉलेज नहीं था। मुझे हड़बड़ी था, पैर में कभी भी अच्छा लगता है, सनकुनी कभी अच्छा लगता है, चल उठा कर ले आते, पैसा था उठा कर ले आया, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब पैसा नहीं था फ्रेंड्स, मतलब सनकुनी को जब मैं लेके आया मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा गला पे एक गोल्ड का चेन था, ठीक है, तो उसको मैंने गिरवी रख के शाम को लेके आया था, वो अभी भी गिरवी पड़ा हुआ। तो पैसा था मतलब ये नहीं, मतलब ले आना था, मैंने ले आया, लेकिन ये सब गलती था मेरा, ये सब मेरा गलती था। आप लोग बिल्कुल ये सब नहीं कीजिए, अपना ऐसा कोई भी मतलब चीज़ को गिरवी रख के किसी जगह पे अपना सेविंग्स उठा के ये सब मत कीजिए। जो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आगे जाके, उसी पैसे से उसी टाइम से आप इसको स्टार्ट कीजिए। और काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि आपको इस सब क्या इनकम मिला, आप कितना इनकम किए, तो देखिए फिर इस सब को तो मैं हिसाब नहीं रखता हूँ, बाकी कैलकुलेशन नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है मेरा हिसाब से, कि मुझे मैं जितना भी रिटर्न मिले, मुझे जितना भी इनकम मिले वो तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, आप भी मुझसे लेने वाला नहीं है, और ये जान के आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा सोच है, जिससे मैं कभी कभी कोई कैलकुलेशन नहीं करती है। लेकिन एक बात आपको बोलूँगा फ्रेंड्स, इस साल मुझे मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोग्रेस मिला है, और इतना प्रोग्रेस मिला है भाई, इतना ये लोग मुझे रिटर्न दिया है, अभी ये लोग को रखने के लिए मेरा घर पे स्पेस नहीं है, मतलब इतना सारा बार्स हो गया है, इतना सारा चिक्स हो गया है, ये जो नेवर्स मुझे कभी प्यार करते थे उसको मजबूरन ऑब्जेक्शन करना पड़ा था, ये इतना बार्स हो गया, इतना चेस हो गया। अब यही बात है, यही बात आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था, ये जब आपको मोहब्बत प्यार से रिटर्न देगा तब उसको रखने के लिए आपको घर में स्पेस नहीं होगा। तो आप ये सब कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न आया, ये सब कैलकुलेशन में मत जाइए, ठीक है। अगर आप इसको इनकम प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, भाई इससे कुछ अपना इनकम निकालना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब इससे किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक टाइम और एक सोच प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में काफ़ी सारा इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपका कोई भी थिंकिंग हो, कोई भी आपका ख्वाहिश हो, आप कीजिए, लेकिन इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए, इस तरह से स्टार्ट करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप स्टार्ट करने के बाद 6 महीने 1 साल के बाद आपको पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तब आपको किसी मतलब अविनाश का या किसी भी चैनल से ये सब एक्सपीरियंस और नॉलेज का जरूरत नहीं पड़ेगा। तब जाके आप सोचिए जब क्या करेंगे, इसको लार्ज स्केल में बड़ा करेंगे या अपना दूसरा काम छोड़ के इसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्या करना होगा ये डिसीजन आप खुद ही ले पाएंगे। जब तक नहीं लेते फिर तब तक आप इस तरह से इसको बिल्डअप कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कभी सारा फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, तो इस तरह आप मतलब आप अपना बात सेटअप को स्टार्ट कीजिए, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तो होता ही फ्रेंड, जिन जगह जिस नाम प्रॉब्लम है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वह मुझे भी हुआ था, ये सारा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया तरीके के साथ, तब तक के लिए बाय।